सो हे गाइज, वेलकम बैक। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको अपने वर्कआउट से पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, वेट गेन हो या फिर मसल बिल्डिंग, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करोगे तो आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। हमारी आज की जो पहली मिस्टेक है वो है डूइंग इंटेंस कार्डियो बिफोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम में बहुत लोग सबसे पहले आके रनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस कार्डियो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं वही आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके वर्कआउट के दौरान। बट जब आप कार्डियो पहले कर लेते हो तो आपकी बॉडी में स्टोर्ड मैक्सिमम ग्लाइकोजन खर्च हो जाता है कार्डियो करने में। आफ्टर दैट आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काफ़ी अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाओ। सो आई सजेस्ट यू टू परफॉर्म कार्डियो आफ्टर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारी आज की जो दूसरी मिस्टेक है वो है टेकिंग टू हैवी मील क्लोज टू योर वर्कआउट। मैंने अपनी जिम में बहुत से लोगों को अपने वर्कआउट के जस्ट पहले बनाना खाते हुए देखा है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वर्कआउट से पहले वो जितना अच्छे से खाएंगे उतना अच्छा वर्कआउट वो परफॉर्म कर पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से आप वर्कआउट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपका मैक्सिमम ब्लड फ्लो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है, और जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी का मैक्सिमम ब्लड फ्लो आपकी मसल्स की तरफ होता है। जब आप खाना खाने के तुरंत बाद वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो आपका ब्लड फ्लो ना तो पूरी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है और ना ही मसल बिल्डिंग की तरफ होता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। इससे आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी और आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है। तो प्लीज़ वर्कआउट से तुरंत पहले आप हैवी मील कंज्यूम ना करें। बट इट डजंट मीन कि आप खाली पेट जिम चले जाओ। आप अपनी मील एक से डेढ़ घंटे पहले आराम से कंज्यूम करके एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारी आज की जो तीसरी मिस्टेक है वो है डोंट ट्रेन योर एब्स एंड फोर आर्म बिफोर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान आपके कोर और फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप अपने एब्स या फिर आर्म्स पहले ट्रेन करोगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट परफॉर्म करते वक्त आपका कोर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और आपका कोर कहीं ना कहीं आपकी बैक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान। अगर आपका कोर बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अपने एब्स या फिर अपने आर्म्स अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद ही ट्रेन करने चाहिए। तो हमारी आज की जो चौथी मिस्टेक है वो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग बिफोर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब आप एक मसल को स्ट्रेच करके एक जगह थोड़े समय के लिए होल्ड करते हो तो उसे हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। इससे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग की जगह डायनेमिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी के जॉइंट्स एंड मसल के एक्टिव मूवमेंट्स बने रहते हैं और आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन लगा सकते हो। एंड प्लीज, स्टैटिक स्ट्रेचिंग बुरी चीज नहीं है, इसको आप अपने वर्कआउट के बाद परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको आपकी मसल की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारी आज की जो पांचवी मिस्टेक है वो है हैविंग टू मच कॉफ़ी एंड प्री वर्कआउट बिफोर योर ट्रेनिंग। मैं मानता हूँ कि कैफीन कंज्यूम करने से आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंड्योरेंस थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, पर कैफीन एक्सेस में कंज्यूम करने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ने की जगह घट सकता है।
एक्सेस अमाउंट में कैफीन कंज्यूम करने से आपको वर्कआउट के दौरान एंजाइटी हो सकती है और आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और आपका हार्ट रेट भी बढ़ सकता है और इन सब की वजह से आप अपना वर्कआउट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जो अपने वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं, प्लीज आप लोग अपने वीक में एक से दो दिन ऐसे ऐड करो जिनमें आप अपनी वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट या फिर कैफीन कंज्यूम ना कर रहे हो ताकि आपको इसकी एडिक्शन ना लगे। कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी सप्लीमेंट को अपनी आदत ना बनने दें। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा देना और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा यूज़र नेम है aman_verma। तब तक के लिए चलते हैं, सिया, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।